कोरोना वायरस के लिए जनवरी माह से शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और उसकी बारीकियों से उसे अवगत कराया गया। गौरतलब है, एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार है, तो वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण को लेकर तैयारियां की जा रही है। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं सरकार ने टीकाकरण से जुड़ी गाइडलाइंस भी तैयार कर दी है। यूपी के 75 जिलों को वैक्सीन के कोल्ड चेन के लिए तैयारी की जा रही है। वैक्सीन देने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकाकरण को लेकर सरकारी गाइडलाइंस की अहम बातें, एक बूथ पर हर सत्र में 100 से 200 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन पर 30 मिनट तक नजर रखी जाएगी, जिससे रिएक्शन को देखा जा सके। वहीं टीकाकरण केंद्र पर एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। केंद्र पर कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इनमें हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 50 साल से कम उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ितों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान गोरखपुर NIC हॉल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो है पब्लिक और एज वेल एज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज को इनकॉर्पोरेट किया था, तो उसी भाग जो है वो अपलोड हो जाए। रिपोर्टिंग तीसरा पार्ट जो है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि जो हमारे तीनों भागी की जो AFI है, माइनर सीरियस सेंटर भी गया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जो है वो अपने यहाँ पे सारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, पब्लिक ऑटोनोमस प्राइवेट या इंडिविजुअल में आप एक नोडल अधिकारी को भी चिन्हित कर लें, जो कि किसी भी AFI के उसमें जो है वो आपसे जो है सूचना आदान प्रदान कर सके। इन सभी की आप एक सेंसिटाइज होने की संभावना या जहां पर भी हमें मिलने की संभावना है वहां पर उनको हम ब्लैंक कॉपीज प्रोवाइड कर दें, ताकि माइनर डिटेल्स भी वो लोग उस पर लिख के आप तक भेज सकें। तो यहां पर भी थोड़ा सा एरर और एंग्जाइटी रिएक्शंस का ध्यान रखा गया है। जैसे कि तीन कमरों की हम बात कर रहे हैं, तो जहां पर हमारा वैक्सीनेशन है वो कंपनी जो है अपने मेंटेन करके रखे और वैक्सीन का जो लेवल है उसको हम देने से पहले चेक करते रहे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा है वो है मैनेज AFI, जो कि MR कैंपेन के अंदर भी जो है हमारा यही सबसे बड़ी जीत थी कि जहां कहीं पर भी कोई घटना घटित हुई उसको तुरंत हमारे तंत्र ने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया। तो इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि एक तो हम हर वैक्सीनी को जो है 30 मिनट तक अपने यहाँ पे रोक के रखें, और आफ्टर वैक्सीनेशन जो है हम पेशेंट को जो है जो हमारा जो वैक्सीन रेसिपिएंट है उसको बता दें कि माइनर इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें कि बुखार या लोकल पेन या हल्का सा सूजन आ सकती है। टैबलेट पैरासीटामोल जो है 4 घंटे के अंतर पे जो है रख के हम ले सकते हैं, और यदि कभी कोई समस्या हो आपको तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे आकर वो जो है संपर्क करें। और कोई भी सीरियस या सीवियर इवेंट होता है तो हम उसको सेकेंडरी या टर्शरी केयर लेवल पे उपचार के लिए उसे संदर्भित करने के लिए जो है हमारे पास पूरी जानकारी मुहैया होनी चाहिए। दूसरा, एनाफाइलेक्सिस किट, एडलिन इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट को चेक करते हुए समस्त आउटरीच सेशन साइट पे हम लोग उसे सुनिश्चित कर लें। नियमित टीकाकरण में जो है ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है MR कैंपेन के बाद, की समस्त टीकाकरण सत्रों पर इसकी उपलब्धता रहेगी, तो उसको फिर से एक बार देख लें अपने यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट्स हैं उनको देखते हुए उसको जो है फिर से रिप्लेनिश करा दें। मेडिकल ऑफिसर जो है वो इमीडिएटली कोई भी सीरियस या सीवियर AFI होती है तो उसकी सूचना तुरंत जिले पे जो है DIU साहब के पास प्रेषित कर दें, और जो हमारे 102 या 108 या इमरजेंसी नंबर जिन्हें हम कहते हैं वो हमारे वैक्सीनेटर से लेकर समस्त अधिकारियों तक के पास होने चाहिए, ताकि किसी भी अवस्था में हम उस व्यक्ति को जो है निकटतम उपचार केंद्र तक ले आ सके। यह जो है एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि हमारी एनाफाइलेक्सिस किट जो है वो हमारे समस्त टीकाकरण केंद्रों पे वैक्सीनेटर के पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं इसे इस्तेमाल करने की उनको परमिशन है। ये जो एनाफाइलेक्सिस किट के अंदर जो क्ले कार्ड था उसकी बात कर रहा हूँ, तो एडलिन जो है वो एनाफाइलेक्सिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है और एडिक्वेट स्टॉक्स हमारे पास रहे, और इसमें आप देख रहे हैं लाल किले के अंदर एडल्ट कितना लगा दे दिखाया गया है, जो उसका है 0.5 ml का होता है, मैक्सिमम डोज 0.5 ml है। मैक्सिमम 0.5 ये भाई मैनेजमेंट इंटरनल सिरिंज इंटरनल जो भी हमारे इंट्रामस